hi assalamualaikum everybody welcome back to my channel so here in this video we will talk about another amazing fellowship which is known as hereford youth fellowship program it it is a fully funded scholarship and you can study in usa with all the expenses covered so first of all how many days like criteria kya hai. so iska criteria it it is a three months duration uh, of fellowship एंड इट विल स्टार्ट फ्राम मार्च फर्स्ट एंड एंड एन मई थर्टी फर्स्ट और अच्छी बात यह है इसकी कि यह एप्लीकेशन फ़ी भी नहीं है इसकी और कैंडिडेट्स विल बी ऑन द बेस ऑफ द वर्क एंड द इंटरेस्ट एंड स्पेशली वो लोग जो कि इंटरेस्टेड हैं डेमोक्रेसी को लेकर और उसकी वैल्यूज़ को लेकर सो so, एन ई डी ऐसे लोगों को सिलेक्ट करेगी इस श्यू फैलोशिप के लिए कुछ बाकी चीज़ें जो हैं वो हम देख लेते हैं जो कि इसमें कवर्ड होंगी सो इट्स अ फुली फुलर लीडरशिप प्रोग्राम जिसके अंदर एक मंथली स्टाइपेंड दिया जाएगा फॉर लिविंग एक्सपेंसेस, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस कवर्ड होगी राउंड ट्रिप ट्रैवल कवर्ड होगा फ्रॉम वाशिंगटन डीसी और टू वाशिंगटन डीसी, इसके अलावा आपके पास इंटरनेट एक्सेस भी दी जाएगी एंड इट ऑल्सो इनक्लूड स्टाइपेंड एलोकेटेड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस फोन कॉल्स सो so, ये इस आ, प्रोग्राम की बहुत अच्छी चीज़ें हैं कुछ जो कि आपको आगे जाके बहुत जो है वो काम देंगी लेकिन फ़र्स्ट ऑफ ऑल इसका जो है आपके अंदर आ, फर्दर अगर देखा जाए तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि हमारे पास होना ज़रूरी हैं सो so, एक तो ये कि फैलो जो है मस्ट वुड बी एबल टू रिसर्च ऑन अ सलेक्टेड टॉपिक रिगार्डिंग डेमोक्रेसी उसके अलावा और इट वुड बी अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड यंग मोमेंट्स ठीक है आपको एक lem, आ, आपको डिफरेंट जो है वो अच्छे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर सोशल इवेंट्स और एक्टिविटीज़ के अंदर जो है वो काम करने का मौका मिलेगा एंड देन इसके अंदर एक और चीज़ जो है एप्लीकेंट मस्ट बी लेस देन थर्टी इयर्स ऑफ एज और वो सोशल या डेमोक्रेटिक एक्टिविस्ट हो इसके अलावा पार्टिसिपेंट वुड बी इनकरेज इफ ही नोज इंग्लिश वेरी वेल सो इट्स प्रोग्राम इन यू एस एंड यू मस्ट नो इंग्लिश बाई यू विल इसके अलावा जो है अप्लाई करने के लिए आपको चार चीज़ें चाहिए इसमें आपका यूथ फेलोशिप एप्लीकेंट फॉर्म आपका प्रोजेक्ट प्रपोजल और इसके अलावा रेज्यूमे एंड द टू लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन दैट मस्ट बी साइन बाई योर सुपरवाइजर्स और योर एम्प्लॉयर इफ़ यू आर डूंग एनी जॉब सो अगर हम इसकी डेडलाइन देखें इट्स थर्टी फर्स्ट जुलाई एंड वी विल गो टू द ऑफिशियल वेबसाइट हम फर्दर देखेंगे इसमें कि हमें क्या क्या चीज़ें का ध्यान रखना है अपनी एप्लीकेशन के दौरान सो so, यहाँ पे आर यू आर यूथ लीडर इन योर कम्युनिटी सो इस वेबसाइट के अंदर अच्छी बात यह है कि आपके पास यहाँ पे अलमनाए की एक लिस्ट होगी जिसके अंदर आप इजीली देख सकते हैं कि उनके प्रोजेक्ट टाइटल्स क्या हैं सो so, इससे आपको ये हेल्प आउट मिलेगा हेल्प मिलेगी कि आप अपने टाइटल्स को उनके साथ मतलब उनकी तरह रख सकते हैं या उनसे इंस्पायरिंग जो है वो टॉपिक्स ले सकते हैं और आपको पता लग जाएगा कि किस तरह के टॉपिक्स होने चाहिए आपके पास ठीक है सो so, ये भी आप कर सकते हैं तो आप इनको अच्छी तरह पढ़ें और उसके बाद अपना प्रो, प्रोजेक्ट प्रपोजल जो है वो डिज़ाइन करें सो so, यहाँ से हम लोग जो है अप्लाई करने के लिए अगर हमें और डिटेल्स चाहिए सो वी विल क्लिक हेयर और अगर टू अप्लाई टू द फेलोशिप क्लिक हेयर वी विल क्लिक हेयर हम अप्लाई करना चाह रहे हैं फेलोशिप के लिए सो दिस इज़ अ इंटरफेस वी आर हैविंग सो यहाँ पे दो चीज़ें हैं वी विल क्रिएट अ न्यू अकाउंट इफ़ वो आर न्यू टू दैबसाइट और हमारे पास चूँकि जो है वो अकाउंट जो है ऑलरेडी है सो वी विल लॉग इन विद योर एग्जिस्टिंग एन ई डी फेलोशिप अग्राउंड सो यहाँ पे जो है वह हम जनरल इन्फॉर्मेशन है हमारे पास और सबसे पहले तो ये देख लें आप लोग डेड लाइन जो है वो थर्टी फर्स्ट जुलाई है एंड डेड लाइन ऑफ सबमिटिंग योर रेफरेंसेज जो है वो भी थर्टी फर्स्ट जुलाई ही है सो यहाँ पर डिफरेंट किस्म की इंफॉर्मेशन है जो हमें देनी होगी सो so, हम लोग स्टार्ट करेंगे जनरल इंफॉमेसन से अब इसके अंदर हमें सबसे पहले अपना फर्स्ट नेम मिडल नेम एफ एनी फैमिली नेम डेट ऑफ बर्थ जेंडर टॉप जॉब टाइटल डिपार्टमेंट इसके अलावा जो है वो इंस्टीट्यूशन वगैरह बताना पड़ेगा एंड देन पासपोर्ट बायो डाटा पेज सो मोस्टली फेलोशिप्स जो हैं वो आपसे पासपोर्ट बायो डाटा पेज मांग लेती हैं सो so, बेहतर यही है कि आप, आपके पास ऑलरेडी पासपोर्ट डाटा पासपोर्ट हो दैन वी विल क्लिक सेव एंड कंटिन्यू एंड वी विल कम टू नेक्स्ट पेज विच इज़ अबाउट कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन सो यहाँ पे वर्क एड्रेस है हमारे पास जिसके अंदर उसने हमारे साथ हम स्ट्रीट एड्रेस वगैरह मांगा हुआ है सिटी और कंट्री देन होम एड्रेस उसके अलावा फ़ोन और ई मेल द मीन्स ऑफ कॉन्टेक्ट एंड इसके अलावा हमारा ट्विटर हैंडल फेसबुक हैंडल सो जो एक्टिविस्ट होते हैं उनके ट्विटर हैंडल जो है वो दे दे वुड शो दे आर एक्टिविस्ट सो बेहतर ये है कि आप जो है मतलब इसके ऊपर पूरी वर्किंग करके देन यू अप्लाई फॉर दिस फेलोशिप ठीक है और आपके पास एक अच्छी इंगेजमेंट होनी चाहिए आपके अकाउंट्स पे मतलब दैट विल एड डेफिनेटली टू योर पॉइंट्स सेव एंड कंटिन्यू करेंगे एंड देन वी विल कम टू द नेक्स्ट पेज विच इज़ अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफेसेंसी और यहाँ पे आपने अपनी प्रोफेसंसी को रेट करना है कि किस तरह है ठीक है और बेहतर ये है ये देखें यहाँ पे फेयर पुअर गुड एंड एक्सेलेंट के ऑप्शंस हैं सो यू सिलेक्ट वट एवर सूट्स यू ताकि आप जब इंटरव्यू uh, दें तो वहाँ पे आपको इशू ना हो कोई भी ठीक है इसके अलावा नेटिव लैंग्वेज आपसे पूछी हुई है और उसके अलावा आपके पास एडिशनल लैंग्वेज इफ़ एनी ठीक है यहाँ पे आप मैंने पंजाबी लिखा है आप कुछ भी लिख सकते हैं इफ़ यू नो स्पेनिश इफ़ यू नो फ्रेंच और इफ़ यू नो चाइनीज़ ठीक है ओके सो वी विल कम टू सेव एंड कंटिन्यू एंड वी विल Redirect to the next page, which is about the fellowship information. So, uh, it's my questions hain. are you have been affiliated with uh, organizations that receive funding from NED? So, I click no. Those star be questions you have affiliated institutes, ke mein so I have clicked no. अगर आपके पास यू uh, एस का कोई जे वन वीज़ा जो है वो आप एक्वायर कर चुके हैं ऑलरेडी सो यू हैव बीन इन एन एक्सचेंज प्रोग्राम सो आप येस yes, क्लिक करेंगे अदरवाइज वी विल हैव इट नो और प्लीज लिस्ट एनी अदर फेलोशिप्स इन विच यू आर अपलाइंग सो आई हैव क्लेक्ट भी लिख सकते हैं आप लोग और नॉट अवेलेबल भी लिख सकते हैं इसके अलावा जो है आपके पास ये पूछा गया है कि कौन सी वेबसाइट से आपको इसका uh, इल्म हुआ है सो so, आप उसको क्लिक कर दें एंड दैन जो है फेसबुक को भी यूज़ कर सकते हैं जहाँ से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिली है सो यहाँ से हम सेव एंड कॉन्टिन्यू पर क्लिक करेंगे एंड we विल बी uh, redirected टू द मेन पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन विच इज़ प्रोजेक्ट प्रोपोजल information। सो यहाँ पे आपने चीज़ें ध्यान रखनी हैं यहाँ पे तीन जो है वो आपके पास जो है ऑप्शनज हैं डिफेंडिंग डेमोक्रेटिक स्पेस प्रोमोटिंग इंक्लूसिव गवर्नेंस या स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेटिक लीडरशिप सो so, आपने कोशिश ये करनी है कि आज आपका जो प्रोजेक्ट प्रपोजल है इन तीन की एरियाज को कवर करता हो ठीक है ताकि आपका उससे रिलेटेड आपका प्रोजेक्ट टाइटल होगा एंड देन आपके पास जो है यहाँ पे 1200 हंड्रेड वर्ड्स का ये आपका जो है वो होना चाहिए और उसके अलावा प्रपोजल किस तरह का होना चाहिए इट शुड बी क्लियर एंड रैशनल आउटलाइन जो हो वेल well डिफाइंड हो और रिमेंबर दिस इज़ अ ग्लोबल फेलोशिप तो आपने जो है देखना है कि कौन से uh, की एरियाज़ हैं जिनके ऊपर काम किया जा सकता है मोर देन वन रीजन में इसके अलावा तीन क्वेश्चंस हैं जिनको अगर आप जो है वो अंडरलाइन करें और उसके ऊपर जो है वो आप उनको एड्रेस करें तो आपका प्रपोजल बहुत अच्छा बन जाएगा सो दीज आर थ्री स्पेसिफिक क्वेश्चन यू विल सीक टू आंसर अंडर योर रिसर्च टॉपिक देन हाउ वुड यू रिसर्च एंड प्रोजेक्ट प्रोडक्ट

और यहाँ से आप अपना सी वी एड कर लेंगे ठीक है दैन वी विल अपलोड इट एंड वी विल कम टू द सेव एंड कॉन्टिन्यू पार्ट एंड मूव टू द नेक्स्ट थिंग सो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन सो यहाँ पे आपके पास दो रेफरीज़ हैं जो मांगे हुए हैं अबाउट द नेम और देर इंस्टीट्यूशनल एफिलियशन देर टाइटल देर ई मेल एड्रेस और यहाँ पर जब आप सेंट रिक्वेस्ट को क्लिक करेंगे तो आप अपने रेफरीज़ को रिक्वेस्ट सेंड कर देंगे कि वो आपका रेफरेंस दें या आपके बारे में लिखें रिकमेंड करें आपको सो so बेहतर ये है कि आप उन रेफरीज को चूज़ करें जिनके साथ आपका कोई पर्सनल कॉन्टैक्ट है ठीक है और वो अच्छे से आपको जानते हैं और तब आपका जो है वो अच्छा रिकमेंडेशन जो है वो देंगे वो ओके सो नाउ वी आर ऑन द एप्लीकेशन होम यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है वो कम्पलीटेड हैं कुछ चीज़ें है सबमिट कम्प्लीट uh, नहीं है यहाँ से हम अपनी रिव्यू करेंगे एप्लीकेशन को ठीक है और उसके बाद इसको सबमिट करने के लिए आगे भेज देंगे सो so, हम रिव्यू कर सकते हैं हमारी कुछ चीज़ें रह गई हैं या फिर हम लोगों ने कुछ चीज़ ऐड करनी थी वो नहीं हुई सो so, यहाँ से देख सकते हैं हम अपनी एप्लीकेशन को और जब हमने सबमिट करना है हम यहीं से अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर देंगे ठीक है सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो